जो अपराधी नहीं था उसको अपराधी बनाकर के जेल के अंदर किया। हमने बार बार व्याख्यान भी दिया और अप्लीकेशन भी दिया। हमारे यहाँ एसएसपी एसपी पहुंचे हुए थे, इस बात के मैं जूनियर हाई स्कूल प्रिंसिपल रिटायर हो चुका हूँ। अभी समय उम्र भी ज्यादा है, लेकिन फिर भी ये इस तरह के अपराध जो जेल के अंदर हुए हैं, ये बहुत कितना अच्छा ही आप ही लोग थे। पिता हाँ बेटा छीन लिया जाए अपराधी बना कर, अरे जेल के अंदर बता रहे हैं उसमें 25 या 35 मुकदमा लगाया गया था, 30-35 मुकदमा जेल के अंदर रहने में। जेल के अंदर रहने में क्या कर सकता है, जेल के अंदर कोई जा करके एक अपराध करके दिखा दे। उन्होंने तो अपनी हत्या की भी आशंका जताई थी। हाँ अपनी हत्या का आशंका जताई थी, वकील साहब ने जज साहब से कहा था जज साहब ने कहा नहीं आपकी व्यवस्था दी जाएगी। उन्होंने व्यवस्था भी दिया, लेकिन व्यवस्था में कहाँ चूक हुई, अब तो जज साहब जाएंगे नहीं उनके पास देखने के लिए, जिनके ऊपर जिम्मेदारी होती है वही लोग देखेंगे। आपसे कभी बात हुई थी कहा था उन्होंने हाँ हाँ बात हुई थी हमारी, नाम लिया ना है, नाम नहीं बताया किसी का। अब जेल के अंदर सब स्वार्थी होते हैं, सब एक दूसरे के बस चूसने चटने में लगे रहते हैं, अपराध की दुनिया हाँ एक दूसरे नीचा दिखाने के लिए सब एक ने कोशिश करते रहते हैं। किस तरह की जांच की मांग करेंगे, मांग सरकार से कौन सी जांच है अपराधी, हाँ लगी तो है सीबीआई जांच लगी है, ये सीबीआई भी लगी हुई है प्रदेश स्तर से और केंद्र स्तर से भी लग चुकी है, सारी व्यवस्था खड़े हो चुकी है। अब आ रहे हैं अधिकारी आपके, आएंगे देखेंगे मौका मुआयना करेंगे समझेंगे, उसके बाद उस तरह की प्रक्रिया बना सकेंगे। 172 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, उसके बावजूद अंदर हथियार चलाएंगे। अरे वो तो वहाँ कोई कोई ऐसा रहा होगा जो अंदर पहुंचा दिया होगा, सिपाही जेलर डिप्टी अधीक्षक यही तो रहते हैं, लेकिन जेलर अधीक्षक तो नहीं कर पाएंगे ऐसा, वो सिपाही जो है करके अपना दाएं बाएं सब व्यवस्थाएं कर दी होंगे, अंदर चला गया होगा। लेकिन उदय भान सिंह नाम हो रहा है, उदय भान सिंह उस षड्यंत्र के तहत मारा गया है, प्लानिंग सहित मारा गया है, प्री प्लानिंग के साथ जो है उसके साथ घटना घटी है। नहीं उसके पहले जो है हमारी जो है अनुज वधू जो है अमन की औरत जो है कई बार एप्लीकेशन लगा चुकी है कि उनको जान को खतरा है, कई बार उनको जहर देने की कोशिश की है, ठीक उससे वो सतर्क रहते थे, लेकिन उनको ये एहसास नहीं था कि हम पिस्टल से मार दिए जाएंगे, क्योंकि जेल में पिस्टल जाना बहुत बड़ी चीज़ है। अब मामला जेल के अंदर का है तो उसमें क्या बताएं कि कौन कौन लोग मिले हैं, लेकिन बिना षड्यंत्र बिना मिले इतनी बड़ी घटना नहीं हो सकती। जेल के अंदर हथियार अब वो तो जान ही रहे, गेट पे स्कैनर लगा हुआ है, उसके बाद चेकिंग होती है, कैसे असलाह अंदर जाता है, ना प्लान और बिना प्लानिंग के दूर अंदर जाएगा नहीं। राज्य सरकार से कुछ मांग करेंगे, अब राज्य सरकार से क्या मांग करें, जो था जो चला गया अब वो तो लौट के आएगा नहीं, लेकिन हम यही मांग करेंगे कि ऐसी घटनाएं जो है भविष्य में ना घटे, जो इसके लिए दोषी है जो इसके लिए दोषी है उनको सजा मिले। क्या नाम हो गया, पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले में शूटर के रूप में आरोपित धनबाद जेल में बंद अमन सिंह की हत्या के बाद आज उनके परिजन यहां पहुंचे हैं और अभी पुलिस उनका बयान दर्ज कर रही है।
इससे पूर्व आपको बता दें कि कल रात में एक ऑडियो वायरल हुआ था और उस ऑडियो में जो आशीष रंजन उर्फ छोटू, उसने हत्या की जिम्मेवारी ली और कहा कि उसने ही अमन सिंह की हत्या करवाई है। और जेल में सुंदर महतो नाम का एक अपराधी जो है वह बाइक चोरी के आरोप में अंदर गया था और उसी ने हत्या की बात स्वीकार की है। और बता दें कि धनबाद में 172 सीसीटीवी कैमरे से इसकी निगरानी की जाती है। अभी हम धनबाद के SNMMCH परिसर में हैं, जहां पर कि अमन सिंह का शव रखा गया है। वहीं पर अंत्येष्टि के बाद जो अंत परीक्षण की जाएगी और उसके परिजन भी यहां पहुंचे हुए हैं। परिजन यह आरोप लगा रहे हैं कि धनबाद जेल के अंदर जब इतनी सख्त सुरक्षा व्यवस्था है, तब कैसे किसी की हत्या हो जाती है। और उनके पिता से हमारी बात हुई और जो उनके भाई हैं उनसे भी बात हुई, जो कि एक पिता जो है एक अवकाश प्राप्त शिक्षक हैं, प्रधानाध्यापक हैं वहाँ के जूनियर हाई स्कूल के, और उनके भाई भी यहाँ पहुंचे हुए थे। तो हमने कोशिश की कि परिवार के लोगों से बात करें। हालांकि कल रात में जिस तरह से धनबाद SSP और DC ने बताया था कि लोगों को डिटेक्ट कर लिया गया है, हालांकि जो जिस हथियार से अमन सिंह की हत्या हुई उस हथियार को पुलिस बरामद करने में देर रात तक सफल नहीं हो पाई थी। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो घटनाएं हैं, इससे जेल प्रबंधन पर, जेल प्रशासन पर कई सवाल खड़े उठते हैं। और जेल में अगर इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था थी तो कैसे हथियार अंदर पहुंचा, यह एक बड़ा यक्ष प्रश्न अभी भी बना हुआ है। और आगे पुलिस की जो टीम है और विभिन्न चिकित्सकों की जो टीम है, वो उसका एक गठन होगा मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में, CCTV कैमरे की निगरानी में पूरे जो पोस्टमार्टम का जो कार्य होगा उसमें पूरे पोस्टमार्टम का रिकॉर्डिंग होगा। और बता दें कि बताया जा रहा है कि कुल 5 से 6 गोलियां या 7 गोलियां उनको अमन सिंह को मारी गई है। तो इन तमाम चीजों का परीक्षण होगा और आगे की जो जांच है उसको उसकी अगर बात करें तो CID के IG असीम विक्रांत मिंज को इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसके अलावे गृह और कारा विभाग के IG उमा शंकर सिंह ने 3 सदस्यीय टीम को धनबाद भेजा है। इन तमाम अधिकारियों के द्वारा जांच पड़ताल की जाएगी और देखा जाएगा कि जेल प्रबंधन की कहां पर लापरवाही हुई है, क्या जेल का कोई कर्मी इसमें शामिल है या फिर जेल का कोई पदाधिकारी इसमें शामिल है या फिर किसी अन्य तरीके से अपराधियों ने वहां पर हथियार पहुंचाया और इस घटना को अंजाम दिया गया। ये तमाम चीजें जो है आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो धनबाद में न तो आम जनता सड़क के बाहर सुरक्षित दिख रहे हैं और ना ही जेल के अंदर कोई अपराधी या फिर कोई बंदी सुरक्षित है। तो उस परिस्थिति में अगर हम धनबाद के विधि व्यवस्था की बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से विधायक राज सिन्हा ने मांग की है कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन, जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाई जाए, राज्य में जो सरकार है वह लोगों को अमन चैन देने में कामयाब नहीं रही है। तो और अगर हम बात करें पूर्णिमा नीरज सिंह की, जो वर्तमान में विधायक हैं झरिया से और उनके पति की ही हत्या हुई थी, तो उन्होंने भी ट्वीट किया है और कुछ बातें लिखी हैं। तो इन तमाम चीज़ों के बीच आपको इतना जरूर बता दें कि आने वाले वक्त में इस मामले में कई तरह के नए जो बातें हैं, नई बातें खुलकर सामने आने वाली हैं। सहयोगी मुन्ना के साथ राजकुमार जायसवाल, News 22 स्कोप, धनबाद। IIT नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम Class 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। हर्ष रीजेंसी, फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो या रांची आकर ठहरना हो, या हो एनिवर्सरी, बर्थडे, मैरिज पार्टी या किटी पार्टी, या करना हो कॉर्पोरेट गेट टुगेदर, आपके हर ओकेजन और मोमेंट को यादगार बनाने के लिए आपकी सेवा में तत्पर है होटल हर्ष रीजेंसी। 26 AC एंड non-AC रूम्स, मल्टी कुजिन रेस्टोरेंट फॉर डिलीशियस फूड्स, होटल हर्ष रीजेंसी में आपके लिए उपलब्ध है हर आयोजन के लिए परफेक्ट बैंक्वेट हॉल। होटल हर्ष रीजेंसी, स्वर्ण रेखा पुल, हटिया, रांची।